हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिफाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट शो करने के लिए हमें। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज की वीडियो जो हमारे लॉज ऑफ मोशन की। प्लीज़ दोस्तों, जिस तरह आपने पिछले वीडियो में हमें सपोर्ट किया, इसी तरह आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और एड ऑन करना चाहिए हम लोग को। वीडियो पे फोकस करते हैं तो आज के वीडियो जो हम लेकर के आए वो है लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर लोग और मोशन चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, फर्स्ट चैप्टर को ये उसे कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ पर हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट न्यूटन हैज गिवन अस थ्री लॉज ऑफ मोशन, एंड उसी को आगे हम लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब लॉज ऑफ मोशन में हम लोग आते हैं तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो उसने दिया था उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और क्या है फर्स्ट लॉ को हम लोग जानेंगे। तो डायरेक्टली लॉ पे मूव करने से पहले मैं आपको लॉ का मीनिंग समझाऊंगा कि ये प्रोस्पेक्ट देखने का तरीका मोशन के ऊपर में, कि मोशन को किस तरह से हम ऑब्जर्व करते देखते हैं उसको समझाया गया है। और उसको एक लॉ पे हमें डिस्क्राइब किया गया कि मोशन जो होती है वो कुछ अपना बेसिक रूल्स फॉलो करती है, उसे हम लोग यहाँ पर लॉ कह करके बुलाएंगे। सो जो फर्स्ट लॉ है उसका कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि जब ऑब्जेक्ट को, जब साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा, यानी कि जब वो मोशन पे थे और डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो उनको ये समझ में आया कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक किसी निर्धारित फोर्स मूव करता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। ना तो उनको ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जैसे ही फोर्स को हटा देंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, रुक जाएगी। ना इसके बाद इसी थॉट को एक अलग अपना तरीके से व्यू गैलीलियो आते हैं, वो अपना प्रोस्पेक्टिव अपना व्यू रखते हैं। और हमें गैलीलियो ने क्या कहा, उनका व्यू कुछ इस तरह था कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो अगर मोशन में है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी फोर्स अप्लाई करके मोशन में ले आते हैं और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है, तो वो हमेशा उसी वेलोसिटी में मूव करेगी। अगर उससे हम लोग फोर्स हटा भी देते हैं तो भी वो ऑब्जेक्ट मूव करते रहिए। नाउ यहाँ ये व्यू देखने का तरीका फर्स्ट केस से थोड़ा अलग हो जाता है। पहला केस में हमने देखा कि वहां कहा जा रहा था कि जब तक उस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जैसे ही फोर्स हटा देंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा। यहाँ पर गैलीलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आने के बाद, यानी कि जो फोर्स उसमें लगाया गया इनिशियली रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसके बाद जब हम उससे फोर्स वो हटा देंगे तो भी वो ऑब्जेक्ट उसी यूनिफॉर्म स्पीड उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करते रहेगी जिस पे उसको ला करके छोड़ दिया गया था। नाउ यहाँ हम दोनों में डिफरेंशिएट देख सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ, ये इसका मीनिंग, ये थॉट आया कहाँ से उसके दिमाग में। नाउ बेसिकली जब हम कोई एग्जांपल लेकर के इसे सोचेंगे, मान लीजिए जैसे कि एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिलिस्ट एक रोड पे साइकिल चला रहा है विद सम गिवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जब वो फोर्स अप्लाई करना छोड़ देगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फिर वो एट अ पॉइंट साइकिल क्या होगा, रुक जाएगा। नाउ जैसा कि फर्स्ट केस में गैलीलियो से पहले कुछ साइंटिस्ट ने ये व्यू रखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन पे मूव कर रही है, जो फोर्स हटा देंगे तो वो रुक जाएगा, गैलीलियो ने ऐसा क्यों कहा, फिर उसका व्यू उनसे अलग क्यों था? वो कॉन्सेप्ट लेके आया फ्रिक्शन को। नाउ फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स द अमाउंट ऑफ रफनेस ऑन एनी सब्सटेंस एनी सरफेस। तो जैसे कि हम लोग रोड में देखते हैं, रोड की जो सरफेस होती है जैसे कि बहुत ज्यादा रफ होगी अगर, तो रफ होने की वजह से उसके सरफेस में क्या होगा, इस तरह के क्रैक्स और बोल सकते हैं अप्स एंड डाउन, ऐसा रफ सरफेस उसका रहने की वजह से
जो टायर्स होता है साइकिल बाइक किसी का भी, वो इसमें लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि वो रुकता है या उसका स्पीड स्लो होता है। तो गैलीलियो ने ये जो अब ये कहा कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आने के बाद जब फोर्स हटा देंगे तो भी वो मोशन में रहेगी, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो अगर वहां फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो सरफेस टोट और सेम विद द टायर, जो साइकिल का टायर या किसी को भी हम लेते हैं, कोई भी सरफेस जैसे साइकिल हो गया या कोई बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस का सरफेस वो भी बिल्कुल इसी तरह एकदम स्मूथ विदाउट एनी रफनेस विदाउट एनी फ्रिक्शन जनरेट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट उस केस में मोशन पे रहेगी, वही सेम मोशन पे जिसमें उसको पुश लगा करके एक फोर्स लगा करके मोशन में ला करके छोड़ दिया गया। इसी पॉइंट से गैलीलियो ने हमें यह बताया कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आने के बाद में वो मोशन पे ही रहेगी अनलेस एक एक्स्ट्रा को रोकने के लिए। तो यहां पर भी फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो मोशन पे है, रेस्ट पे है। मान लीजिए ये साइकिल जो मूव करना स्टार्ट नहीं करता, इनिशियल पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे तभी तक रहेगी जब तक कि कोई इसमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी उसी वक्त के बाद वो मूव करना स्टार्ट करेगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। नाउ गैलीलियो का इसी पॉइंट को न्यूटन ने कॉइन कर दिया, कह सकते हैं कि उस टर्म को अपना एक लॉ में पिरो करके हमें सिखाया और जिसे आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट थिंग जो हमने होती एनी बॉडी इज एट रेस्ट एंड विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेस्ट पर रहेगी। कि एनी ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग इन सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल रिमेन इन द सेम वेलोसिटी अनलेस सम, व्हाट इज दिस लॉ, एक बार रिवीजन करते हैं फिर से जो हमने अभी सीखा कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी पे मूव करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए नहीं लगाता। इन दिस एग्जाम्पल जो हम यहाँ लेते हैं विथ फ्रिक्शन, अब इसी चीज को फ्रिक्शन के साथ समझते हैं कि जब एक साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा होता है तो बोथ वो सरफेस जिस पे वो साइकिल चला रहा है वो भी रफ है एंड अगेन द टायर इज ऑल्सो रफ। तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो जो ब्रेक रबर्स रहते हैं वो भी रफ बनाए जाते हैं और उनका थ्रेड जो होता है वो व्हील को रोकने के लिए जब एक साइक्लिस्ट ब्रेक अप्लाई करता है के स्पीड को वो स्लो करता है। सेम इसी तरह कि जब एक साइक्लिस्ट को हम ये मानते हैं कि मान लीजिए वो पैडल मार रहा है तो जब तक वो उसमें फोर्स पैडल में फोर्स अप्लाई करते जाएगा वो साइकिल मूव करेगा। एट द मोमेंट वो पैडल मारना बंद कर देता है उसकी साइकिल कुछ दूरी तक जाएगी और फिर वो जाने के बाद धीमे 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 होकर के एक पॉइंट आएगा जब वो साइकिल रुक जाएगी। तो वो साइकिल कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द लॉ कंटिन्यूअसली क्यों नहीं चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक फोर्स देने के बाद वो क्यों नहीं चलती है, दैट इज बिकॉज बोथ द टायर एंड द रोड हैज सम फ्रिक्शन इन इट एंड वो फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम कर देता है। अगर इसे और डीपली समझते हैं तो कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि दो साइकिल्स ले आते हैं हम लोग, एक टोटली न्यू अच्छे से ग्रीस अप्लाई किया हुआ है उसके व्हील्स पे, ग्रीस फ्रिक्शन जो है उसमें ग्रीस में, और एक साइकिल हम लोग रखते हैं जो कंपैरेटिवली उस साइकिल के थोड़ा ज्यादा रफ है, कह सकते हैं उसमें ग्रीस ऑयल कम अप्लाई किया गया या नहीं है जिसके वजह से वो ज्यादा सेम स्पीड पर जब हम लोग चलाएंगे एंड सेम टाइम पर जब उसमें फोर्स अप्लाई करना हम लोग बंद कर देंगे, यानी कि साइक्लिस्ट पैडल मारना बंद कर देंगे, तब क्या देखते हैं हम, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीस ऑयल अप्लाई किया हुआ जो साइक्लिस्ट है
वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा बिना गया फोर्स उसे रोल होते 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 ज्यादा थोड़ी जो दोनों का जो डिस्टेंस होगा गया वहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो जिस साइकिल में ज्यादा तेल ज्यादा जिसमें कम फ्रिक्शन था वो ज्यादा दूर ट्रैवल करेगी ज्यादा रफनेस थी ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था तो वो साइकिल का जो डिस्टेंस हम कंपेयर करेंगे तो वो कम होगा तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता हमें कि वहां पर फ्रिक्शन जो फोर्स थी वो अप्लाई हो रहे थे दैट वाज एन एक्सटर्नल फोर्स जो साइकिल को रोकने के लिए एक तरह से रोक रहा था जो कि उस न्यू साइकिल में जो हमने फ्रिक्शन देखा वो कम होने की वजह से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करते हैं और जो ओल्ड साइकिल था जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा था रफनेस ज्यादा था वो कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ठीक से समझ में आया हो कि क्या है ये और ऑब्जेक्ट जो मोशन में आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो किस प्रिंसिपल पे वो चल रहा होता। तो हम इसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तभी तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा एंड सेकेंडली जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कह सकते हैं एक मोशन मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए या उसे उस मोशन को रोकने के लिए उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कम करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ व्हिच न्यूटन कॉइंडेड आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी कंक्लूजन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो। नाउ अब इसी जो न्यूटन के लॉ समझा ये दो प्रिंसिपल्स है दो लॉ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड मतलब कि फर्स्ट लॉ के बाद सीधा सीधे सेकेंड लॉ पे नहीं फर्स्ट लॉ के अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा तो उसके लिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इनर्शिया एंड फोर्स। नाउ जो इनर्शिया की डेफिनेशन होती है that explains कि an object remains at rest and उसके tendency rest से move करने का नहीं होता यानी कि कोई object जैसे कि हम लोग table पे पड़े book pencil box bottle anything किसी चीज को भी हम लोग देखते हैं तो जब उसको वो table पे रखा गया तो वो table पे ही रहेगा वो move करना start नहीं करेगा। Why is this? इसी चीज को हम लोग inertia करके बोलते हैं and जब इसको समझते हैं तो ये एक तरह का फोर्स है जो उस चीज को वहां से मूव होने नहीं देते। सेम थिंग जो हमने फर्स्ट लॉ में यहां पर स्टडी किया कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पे रहता है वो तब तक रेस्ट से मूव करना स्टार्ट नहीं करता जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इनर्शिया भी कुछ इसी तरह है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहती है टेबल पे तो उस पर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है जो जिस कारण से वो ऑब्जेक्ट मोशन पे नहीं आ रही है। उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस फोर्स को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे इस साइक्लिस्ट को हम लोग यहां देख सकते हैं मान लीजिए कि ये मोशन पे नहीं है पॉइंट ए पे यहां पर ये रेस्ट पे तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन इस चीज को हमें समझना है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों है बिकॉज इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम लोग इनर्शिया करके यहां बोल रहे हैं। वो फोर्स एक्चुअली इस जगह पर जब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं साइक्लिस्ट का तो वो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन उस चीज को मूव करने से रोकती है। सिमिलरली जब एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग टेबल पे मान लीजिए हम लोग बुक रखा हुआ है या कोई बॉटल है तो वो खुद ब खुद सड़क के नीचे नहीं गिरेगी इट विल नॉट स्टार्ट टू मूव ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ इनर्शिया एंड वॉट वी आर टॉकिंग ओवर हियर डिस्कसिंग अबाउट इनर्शिया is that there is some force which is holding it back and stopping it from the motion to move, sorry from stopping it to come in motion. वो force को हम लोग यहाँ inertia कह रहे हैं और ये force इस जगह पे आ रही है friction की वजह से वो the roughness of the table and the surface of the book or the bottle वो जो roughness है उन दोनों substance के बीच में वो आपस में interlock हो जा रही है। यानी कि जैसा हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये मान लेते हैं टेबल का सरफेस है इस तरह से रफ एंड जो बॉटल या बुक का सरफेस है
उसका भी रफनेस का वजह से वो आपस में इंटरलॉक हो जा रही है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करती। जस्ट लाइक अ चेन, चेन जिस तरह से आपस में उसके दांत फंस जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये इंटरलॉक हो जा रही है, वो मूव नहीं कर रही। दिस इज इनर्शिया। एंड द सेकेंड थिंग जो हमने कहा अभी, फोर्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, वॉट इज फोर्स यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट को इनर्शिया से मूव कराने के लिए, जैसे कि साइक्लिस्ट या बुक हम ले सकते हैं, इसको अगर हमें मूव कराना है किसी पॉइंट पे, इसको मान लीजिए हम पुश करते हैं फ्रॉम हियर टू द एज ऑफ द टेबल, ये साइक्लिस्ट फोर्स अप्लाई करता है पेडल पे टू मूव फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी। तो ये ए से बी तक आने के लिए पेडल पे अपना फोर्स अप्लाई करेगा, और ये बुक को पुश करने के लिए हमें हाथ से ऐसे धक्का देना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो इस पे बोल सकते हैं ताकत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस बुक को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, उसी को यहां पर फिजिक्स के टर्म में फोर्स कह करके समझाया जा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनर्शिया से मूवमेंट वेलोसिटी मोशन में लाने के लिए हमें उसे उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता कि ऑब्जेक्ट को हमें जरा से भी पुश नहीं, कि ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर सकती थी अगर फ्रिक्शन जीरो होता तो। बट यूनिवर्सली हम लोग देख सकते हैं कहीं पर भी हम लोग ऐसा नहीं पाते हैं जहां पर फ्रिक्शन जीरो हो, थोड़ा ना बहुत वहां पर फ्रिक्शन जरूर प्रेजेंट होता है। आई होप आपको यहाँ पर इनर्शिया एंड फोर्स दोनों ठीक से समझ में आए हो, और क्यों हम लोग यहाँ इसे इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली ये लोग ये सब रिलेटेड है मोशन से। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से या रोकने के लिए हमें इनको समझना बहुत ही जरूरी है, और ये डायरेक्टली इनर्शिया एंड फोर्स हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर प्लीज आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, एंड इसका अगला पार्ट में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड देयर वी विल डिस्कस अबाउट मास, मास इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में और भी डिटेल में हम लोग जानेंगे जो कि बहुत जरूरी है, और देन वी विल गो टू द सेकेंड लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।